हैं? साथ बैठेंगे भाई, साथ बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी बोट होने वाली है और ये भैया लेके जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भैया, बता देना कैसे कैसे बैठना है। बर्स दो दो करके बैठा देना सर। भैया तो कुछ ही देर में हमारी राइड स्टार्ट होने वाली है और ये भैया ले जाएंगे। ये लोग हमारे ग्रुप में हैं, ये 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 सामान लगवाना है। मेरा मोबाइल देख नहीं इससे वीडियो कैसे बनाओगे, चलाना पड़ेगा आगे। अच्छा ठीक है, तो मुझे फोन रखना पड़ रहा है, सबके फोन रखे जा रहे हैं यहाँ पे। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all. Are you? Are you? Satyam from Bihar. Satyam from Bihar. Chapra from Bihar. छपरा बलिया। एक गाना भी तो है छप। ओह माय गॉड, अबे 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 नो भाई, ठीक है ना? देखो पहली बार उतर आई है इंसान। जंपिंग चपात आ रहा हूँ, आ रहा भैया, मैं आ रहा हूँ। क्या बोलाऊँ, मछली डूब रही है कि बेल डूब रही है? यार उसके कपड़े देखो किस एंगल से उतार रहा है, तो फिलहाल हम लोग राफ्टिंग करके आ चुके हैं और बुरे गीले हो चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं वहाँ पे जाके अब क्या नया एडवेंचर है हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अभी चलते हैं, आगे दिखाते हैं। होप सो ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो अब ऐसी राफ्टिंग में अगर दोस्त यार कुछ बन जाए तो अच्छा लगता है। भाई भाई सब बहुत जान लगती है कसम से राफ्टिंग में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी एरिया में ये राफ्टिंग होती है पूरी, और बहुत ज़्यादा जान लगती है। थक चुके हैं बिल्कुल पानी में वर्कआउट भी कोई भी करते हैं तो उसमें थक ही जाते हैं फिलहाल। और इस टाइम मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ आगे से, और ये देख सकते हैं व्यू, कितना अमेजिंग व्यू है। ये जो नदी देख रहे हैं यही गंगा भी इसमें मिल है, और इसी में ही पूरी राफ्टिंग की जाती है। आगे वेव्स वगैरह होती हैं, आगे काफ़ी आप बोट देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरा है राफ्टिंग का, काफ़ी लंबा चलता है, 12 किलोमीटर की हमारी ये राइड थी, जिसमें से हमारा 1200 चार बंदों का हुआ सिलेक्ट, और चार बंदों के हिसाब से 1200 ठीक था, और 12 किलोमीटर उन्होंने हमें राइड दी। और ये यहाँ का व्यू है, ये देख सकते हैं किस तरीके से राइड होती है। मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से की जाती है। ये इनका गाइड होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, पूरा गाइडेंस देता है। तो होप सो आप लोग आइए यहाँ पे, इंजॉय करिए। काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी, और हम लोग इस टाइम पूरे गील भीग चुके हैं और पूरे कपड़े में मिट्टी हो चुकी है, रेत रेत सी। इधर एक छोटा सा शिवलिंग बनाया गया है, होप सो यहाँ पे पूजा वगैरह होती होगी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में शिवलिंग। ये देखिए
ऐसी जगह पर काफ़ी पीसफुल जगह होती है। होप सो आप लोग हॉलीडेज पे आप आ सकते हैं। फिलहाल तो मैं तो किसी काम से आया था, लेकिन मेरा काम हो चुका है तो इस वजह से मेरे को टाइम रहा था, इसलिए मैं सोचा कि राफ्टिंग कर लूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ आया था मैं। और ये हमारे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो रहे हैं। ये बोट होती है जिसमें कितने 3, 6, 7 मेंबर्स बैठते हैं और एक गाइड बैठता है जो कि पीछे की तरफ बैठता है। बाकी 7 मेंबर एक इधर करके बैठता है। तो मैं जो बैठा था सबसे आगे बैठा था और काफ़ी मज़ा आया। पता नहीं चला 12 किलोमीटर कितनी जल्दी कवर्ड हो गया।